तो गाइज अभी अभी बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के सामने आई है जिसको सुनकर आप सब बहुत ही खुश हो जाएंगे। फाइनली आपकी वेट ओवर होने वाली है क्योंकि रियलमी के सीईओ माधुसेठ ने एक जबरदस्त ट्वीट किया है जिनमें उन्होंने बताया कि आपको नेक्स्ट वीक तक रियलमी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली है और मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि ये स्मार्टफोन का नाम रियलमी एक्स होने वाला है जिसका लॉन्चिंग इवेंट रियलमी के सीईओ बताने वाले हैं अगले वीक। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी एक्स के इंडियन वर्जन की जिसे लोग रियलमी 4 प्रो के नाम से भी बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रियलमी एक्स के इंडियन वर्जन में आपको बहुत सारी स्पेसिफिकेशन चेंज देखने को मिलेगी क्योंकि रियलमी के सीईओ माधुसेठ ने यह कंफर्म किया था कि रियलमी एक्स में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे इंडियन वेरिएंट में और ये बिल्कुल चेंज देखने को मिलेगा रियलमी एक्स के चाइना वर्जन से। सो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन प्राइसिंग फीचर्स के बारे में। सो अगर आप भी इस स्मार्टफोन को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले और डिजाइन से। तो यहाँ पर आपको एक 6.5 इंच की सुपर एमोलेड की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि 91% के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आएगी। साथ ही में आपको डिस्प्ले में एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। बट रियलमी एक्स के चाइना वर्जन में आपको थर्ड जनरेशन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता था। सो मे बी पॉसिबिलिटी है कि इस स्मार्टफोन में आपको 6th जनरेशन का एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाए रेडमी के K20 की तरह ही। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की कैमरे की। तो यहाँ पर आपको फ्रंट में ही एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती थी रियलमी एक्स के चाइना वर्जन में। सो इस स्मार्टफोन में भी आपको एक 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। ज्यादा चांसेस है कि इस स्मार्टफोन में आपको एक 25 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिले बट देखते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैक साइड की। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिपल रियर कैमरा का स्लॉट देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, रियलमी के सीईओ माधुसेठ ने कंफर्म किया था कि इसका काफी सारी स्पेसिफिकेशन चेंज होने वाली है। सो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको एक ट्रिपल रियर कैमरा स्लॉट देखने को मिले तभी ये स्मार्टफोन रेडमी के K20 को कम्पीट कर पाएगी। और इसका प्राइमरी कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का सोनी के IMX586 का सेंसर, सेकेंडरी एक 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल सकता है, साथ ही में एक 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिल सकता है। बात करें अगर डिजाइन की तो यहाँ पर आपको एक ग्रेडियंट फिनिश देखने को मिल जाएगी रियलमी एक्स की तरह ही जैसा कि चाइना में लॉन्च किया गया था। सो डिजाइन के मामले में इस स्मार्टफोन को शायद चेंज नहीं किया जाएगा। अब बात करते दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की जो कि सबसे मेन होता है किसी भी स्मार्टफोन के लिए। तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है और अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छी तरह से कम्पीट करेगी रेडमी के K20 को। सो आप किस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड है, रेडमी के K20 या रियलमी एक्स, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अब बात करते हैं गेमिंग की। तो यहाँ पर आपको एंड्रिनो के 680 का GPU देखने को मिल जाएगा। सो गेमिंग के मामले में आपको कोई भी परेशानी नहीं रहने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैटरी की। तो यहाँ पर आपको 3765mAh की एक मैसिव बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि वूक के फ्लैश चार्ज को सपोर्ट करेगी और आपको वूक के फ्लैश चार्जर भी बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा जो कि 30 मिनट के अंदर 50% से ज्यादा आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर देती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा जो कि कलर OS 6 के साथ लॉन्च हो सकता है और मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपको रियलमी का नया OS जो कि रियलमी ने डेवलप कर चुकी है वो भी देखने को मिल सकता है। सो देखते हैं कि क्या होता है, आपको क्या लगता है, मैं कमेंट करके जरूर बतलाएं। दोस्तों फाइनली बात करते हैं इसके प्राइसिंग और रिलीज डेट की। तो यहाँ पर आपको दो रैम वेरिएंट देखने को मिल सकती है। पहला 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज जिसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिल सकती है 16,000 रुपीज़ के करीबन। सेकेंड आपको 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज रैम वेरियंट देखने को मिल सकता है जिसकी प्राइसिंग आपको 17,000 to 18,000 रुपीज़ तक देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फाइनली दोस्तों बात करेंगे रिलीज डेट की। तो रियलमी के सीईओ माधुसेठ ने कंफर्म किया है कि नेक्स्ट वीक आपको एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली है। सो इस स्मार्टफोन की जो लॉन्चिंग इवेंट रखी जाएगी मे बी पॉसिबिलिटी है कि इस स्मार्टफोन को इस मंथ के अंदर ही लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया में। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों क्या आप इस फोन के लिए सच में एक्साइटेड है या रेडमी K20 के लिए एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फाइनली दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ गुड डे।